हेलो दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दो तरीके का इंसान बहुत ज्यादा मिलेगा इंडिया में। उसमें एक है जो लाइफ में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और दूसरा है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है और कभी कभी लॉस का भी सामना करते हैं। लेकिन रिस्क को कैसे बैलेंस तरीके से लिया जाए, इसके बारे में लोगों का मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या रिस्क लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, क्या क्या चीज आपको कंसीडर करना है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। दोस्तों, यूजुअली इंसान दो टाइम में रिस्क लेता है। एक है कि आपका सिचुएशन की वजह से वो रिस्क लेता है, दूसरा है कि उसका अपब्रिंगिंग की वजह से वो रिस्क लेता है। सिचुएशन की वजह से कि सपोज आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज आपका नौकरी चला गया है, आपका फैमिली है, अगर कल आप अर्निंग नहीं करेंगे तो आपका फैमिली को खाना नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आपका सिचुएशन हो जाएगा तो आप देखेंगे आप दौड़ के कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। मतलब है कि आपका सिचुएशन अगर आपको पुश करेगा तो आप अपने आप ही रिस्क लेना शुरू कर देंगे। सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और एक गर्ल को आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर सिचुएशन आ गया कि अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल वो किसी और का हो जाएगा, तो आप देखेंगे आप दौड़ के उसको प्रपोज कर देंगे। और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे, अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन लोग वाले कर रहे हैं, जो अभी होना नहीं चाहिए था, यंग बंदे करना चाहिए था। क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि उसका अभी जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, वो फ्यूचर पहले रिस्क नहीं लिया है, लेकिन जब वो रिटायर कर रहे हैं देख रहे हैं कि उससे जो इंटरेस्ट अर्निंग होगा उससे उसका फैमिली नहीं चलेगा। इसीलिए आज वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, आज वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि 20 साल पहले करना चाहिए था। तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा आया कि आपको वो कुछ लेना ही है टफ डिसीजन, तो आप रिस्क लेते हैं। और दूसरा टाइम आप रिस्क लेते हैं ड्यू टू योर अपब्रिंगिंग। अगर आप देखें कि आपका पापा खुद शुरू से बिजनेस कर रहे हैं, आपका पापा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पापा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पापा कुछ लाइफ में रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक सीख मिलता है और वो देख देख के आप भी वही टाइप का रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ कि मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, कुछ पंजाबी, ये जो कम्युनिटी है इंडिया में, उनका फैमिली में एक ट्रेडिशन होता है बिजनेस का, रिस्क लेने का। देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है मारवाड़ी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जो बिजनेस होता है मारवाड़ी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग इस टाइप से हुआ है। तो इधर आपका फैमिली की वजह से आप रिस्क लेंगे, नहीं तो आपका जो सराउंडिंग सिचुएशन है उसके वजह से आप रिस्क लेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया रीजन। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि क्यों हम इंडियंस रिस्क नहीं लेते हैं। हाँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है सभी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा रिस्क लेने से डरता है। अगर आप मेरा इन्वेस्टमेंट का वीडियो देखेंगे, म्यूचुअल फंड का, पीपीएफ का, और उसमें कमेंट पढ़ेंगे, तो एक चीज आपको नोटिस आएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये सिक्योर है, क्या ये सेफ है। क्या होता है कि हम इंडियन का एक आदत है सेफ एंड सिक्योर चीज ढूंढना। जब बेटी का हम लोग शादी करवाते हैं, हम ढूंढते हैं कि सरकारी काम करे, बिजनेसमैन को नहीं देंगे, जो सरकारी काम करेंगे उसको देंगे। अगर वो ग्रुप डी में भी करता है तो मैं ग्रुप डी में देता हूं, अगर कोई प्राइवेट में कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव है और एक ग्रुप डी में गवर्नमेंट नौकरी करता है तो हम बेटी का हाथ वो ग्रुप डी वाले को दे देते, ये सोच के कि ये सरकारी नगरी है, ये सेफ है। तो क्या है कि हम इंडियन के खून के एक सेफ एंड सिक्योर का भूत चढ़ा हुआ है। कैसे वो चढ़ा हुआ है? क्योंकि क्या हुआ कि सिंस इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप सिचुएशन की वजह से रिस्क लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में घर का खाना आ जाता है, और एज बिकॉज शुरू में 90s के पहले कोई भी ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है, लोग को ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला। एग्रीकल्चर करते थे, जो बिजनेस करते थे, बाहर से कोई कंपटीशन नहीं आता था,
तो इसीलिए एक आदत सी पड़ गए हैं कि वही एक सिचुएशन पे रहना, खुद का कंफर्ट जोन में रहना, कि जो ग्रोसरी कर रहे हैं वो पापा कर रहे हैं, उसके बाद बेटा करेगा, उसके बाद और उसका बेटा करेगा, मतलब ये जो ग्रोसरी का बिजनेस है वो चलते जाएगा। ये बेटा नहीं सोच रहे हैं कि अगर मैं ग्रोसरी को अपग्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, जनरल स्टोर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, शॉपिंग मॉल टाइप का नहीं बनाऊंगा, ये सब वो नहीं सोचा है, क्योंकि उसके उस टाइम में उसके पास कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर तरफ आपको ग्रोसरी का शॉप मिल जाएगा, आपको शॉपिंग मॉल मिल जाएगा, आपको ऐप मिल जाएगा, और एज बिकॉज वो पुराना ग्रोसरी शॉप जो फैमिली में चल रहा था वो कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, वो आज सफर कर रहे हैं। पहले जरूरत नहीं था, क्योंकि पहले इतना कंपटीशन नहीं था, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, और इसी वजह से हम लोगों का खून में एक सेफ एंड सिक्योर का एक हम लोगों का खून में घुस गया है। इसीलिए देखेंगे हर चीज में हम लोग वही चीज हम लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो 90s के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगा है। आज क्या है कि अगर आप बिजनेस को अपग्रेड नहीं करेंगे, रिस्क लेके कुछ नया चीज नहीं करेंगे, हो सकता है कल जो बिजनेस अच्छा है परसों वो उसका कोई दाम ही ना रहे। अब गवर्नमेंट नौकरी देखिए कितना घट गया है, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। इवन गवर्नमेंट नौकरी के एनपीएस आ जाने के वजह से अभी पेंशन भी गारंटेड नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लाइफ में जो सराउंडिंग था, जो पहले ज्यादा चेंज नहीं होता था, आज इंडिया में हो रहा है। ठीक है, कि पहले आप देखेंगे कि फिक्स डिपोजिट का इंटरेस्ट रेट इतने जल्दी नहीं गिरता था, पीपीएफ का इंटरेस्ट इतने जल्दी नहीं गिरता था, तो इसीलिए तब ठीक था। लेकिन आज अगर आप थोड़ा रिस्क ना लेके कुछ नया कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना आप फ्यूचर में करें। और इसीलिए दोस्तों आज लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी हो गया है। अब फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो आ जाता है कि आप कह सकते हैं कि सर आपने तो दो पॉइंट कहा है कि मेरा अगर सराउंडिंग चेंज हो गया तब मुझे लेना है, और अगर मेरा अपब्रिंगिंग है तब मुझे लेना है, तो दोनों ही तो मेरे पास नहीं है। मैं अभी अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मेरा तो कोई अभी यहां पर कोई प्रेशर नहीं है। मेरा पापा नौकरी करता था तो मुझे बिजनेस करने के तजुर्बा भी नहीं है, इन्वेस्ट करने के तजुर्बा भी नहीं है, तो मैं क्यों लूं। यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो सेकेंड पार्ट अपब्रिंगिंग मतलब फैमिली में वो कल्चर वो नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको दो तरीके के रिस्क के बारे में कंसीडर करना पड़ेगा। एक है कि इमीडिएट रिस्क, दूसरा है कि फ्यूचर रिस्क। इमीडिएट रिस्क मतलब ये हुआ कि आज आपका हालत खराब है, ठीक है, तो तब उसके लिए आपको करना है। लेकिन फ्यूचर रिस्क जो है वो हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि अभी लगता है मैं अभी अच्छा हूं, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे ज्यादा टेंशन लेने नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मुझे जो इंटरेस्ट अर्निंग हो रहा है, जो सैलरी आ रहा है, मेरा जो बिजनेस है वो भी ठीक चल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्यों लूं। ये प्रेजेंट सिचुएशन ठीक है, लेकिन फ्यूचर रिस्क के बारे में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन फ्यूचर रिस्क को कंसीडर करता है, मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे आपका मोहल्ला में कुछ ऐसा भी लोग है जो पहले से अच्छे अच्छे जगह पे लैंड खरीद के रखे, क्योंकि उसके पास वो फोर साइट था, वो पहले से दिखा था कि हाँ इस जगह पे लैंड का कीमत बढ़ेगा, उससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा। हम लोग सोचते हैं अरे अरे ये लैंड अगर मैं पहले खरीद लेता तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाता। कुछ बिजनेसमैन आपको ऐसा मिलेगा, आप देखेंगे कि एक बिजनेस से और एक बिजनेस और एक बिजनेस, क्योंकि उसको पता है कि आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूं हो सकता है कल उसका कोई दाम ही ना हो, इसीलिए वो चेंजेस करता रहता है। और अगर हम ये कंसीडर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में दिक्कत का सामना हम कर सकते। अब देखिए ना सीनियर सिटीजन लोगों का क्या हाल हो रहा है, पीएफ एंड ग्रेच्युटी के सिवा उसके पास की कुछ नहीं है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख है, बैंक का भी इंटरेस्ट घट गया है, अब वो क्या करेगा। एस बिकॉज वो लोग पहले से फ्यूचर रिस्क के बारे में कंसीडर नहीं किए थे, आज उसका सिचुएशन ऐसा हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों रिस्क लेना है, और एक कैलकुलेटेड रिस्क हम अगर लेंगे
तो फ्यूचर में आप सक्सेसफुल हो सकता है। अब दोस्तों जब मैं कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में बोल ही दिया तो चलिए आप फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कैसे आप ये कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ये कैलकुलेटेड वर्ड मैंने ऐड इसीलिए किया कि इंडिया में एज बिकॉज जो सेकेंड पॉइंट था अपब्रिंगिंग की वजह से रिस्क लेना वो ज़्यादा नहीं है, लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन की वजह से लेता है और इसीलिए गलती कर बैठते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएगा जो चीट फंड पे इन्वेस्ट किए हैं, सारोदा जैसे चीट फंड पे क्यों किए हैं, 3 साल में डबल, 4 साल में डबल। एक तो वो फिक्स डिपोजिट से ज़्यादा नहीं करता था, अब वहाँ पर तोड़ के चीट फंड पे कर दिए, बीच में जो म्यूचुअल फंड है नहीं तो लैंड है उसमें नहीं किया, तो इधर वो कंजर्वेटिव है नहीं तो बहुत रेकलेस रिस्क टेकर है। तो वो इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। और ये पार्ट एज बिकॉज क्या होता है कि हम लोगों के पास वो ट्रेनिंग नहीं होता, गाइड नहीं होता, इसीलिए मेरा सजेशन जो होता कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए कि छोटा करके शुरू कीजिए कुछ भी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 500 रुपए नहीं तो 1000 रुपए का एक SIP कीजिए एक फंड पे, और अगर 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने उसको देखिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज आप पोल्ट्री करना चाहते हैं, तो 10 मुर्गी को खरीद के उसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर वो मर भी जाएगा फिर से आप 10 खरीदेंगे, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और बड़ा लॉस होने की कोई चांस नहीं होगा। कुछ भी लाइफ में क्या होता है कि एक प्लानिंग की जरूरत होता है हर चीज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आपको सब कुछ सही प्लानिंग आप कर पाएंगे, ओनली 10% 20% कर पाएंगे, लेकिन वो 10% 20% करके अगर आप उतरेंगे तो क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो घट जाता है और एक्चुअली आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। छोटा करके शुरू कीजिए, इससे कुछ जो भी डिसीजन लेंगे वो स्मॉल कीजिए छोटा, फिर आप बड़ा कीजिए, आप देखेंगे इससे क्या होगा कि आप एक बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। और अगर इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है कि मुझे नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, अगर ये हो जाएगा, अगर हो जाएगा क्या होगा, अगर लॉस हो गया, ये दिमाग में चल रहा है, तो सिंपली जाके कोई हाईवे के पास में खड़ा हो जाइए, नहीं तो कोई सिटी में कोई पॉश एरिया में खड़ा हो जाइए, देखिए कि कितना जो कीमती गाड़ी होता है ना लग्जरी कार जा रहा है रास्ते में, कितना टोयोटा फॉर्च्यूनर जा रहा है, कितने बड़ा बड़ा घर है, अगर उन लोगों के पास है आपके पास क्यों नहीं होगा। अगर आप एक हफ्ते बाद आपका डेथ हो गया, सोचिए कि आप एक हफ्ते बाद मर गए, क्या आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे ये सोचिए कि मैं एक हफ्ते बाद मर जाऊंगा तो क्या क्या मैंने नहीं किया, तो ये थोड़ा सोचिए दोस्तों। अगर आप कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे, एक थोड़ा सा अगर 10 मुर्गी खोल के तो आप पोल्ट्री खोल सकते हैं। आप सोचिए कि आपको एक मिनरल वाटर का एक बिजनेस खोलना है, तो शुरू में अगर आप फैक्ट्री ना भी खोले, सिंपली मिनरल वाटर जहां से सेल होता है फैक्ट्री से वहां पे खरीद के रिटेल में सप्लाई करके उसका सप्लाई चेन को तो आप समझ सकते हैं ना, इससे पता चल जाएगा कितने रुपए पे वो सेल करता है, कितने में रिटेल सेल करता है, फिर आप खुद का एक मिनरल वाटर का एक प्लांट खोलिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हर तरफ लोग कर रहे हैं, पीपल आर गेटिंग सक्सेसफुल विद इट, अगर आप भी करेंगे आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको शुरू करना है। अगर लाइफ में शुरू नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे डर के, तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, फेल हो सकता है, 10 बार फेल होगा, अगर 11 बार में आपका सक्सेस हो गया तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए दोस्तों मेरा जो मैसेज है कि सिचुएशन बदल रहा है, पहले से आज का जो कंपटीशन बढ़ गया है, दिन के दिन आप साइड में देखिए कितना चेंजेस हो रहा है, कितने जल्दी डिपॉजिट का इंटरेस्ट घट रहा है, कितने जल्दी नया नया बिजनेस आ रहा है, अगर आप उसके साथ खुद को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करें। तो इसीलिए दोस्तों रिस्क लीजिए, थोड़ा प्लान करके लीजिए, और हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ में थोड़ा रिस्क अगर नहीं लेंगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों होप आज जो मैंने ये वीडियो बनाया ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या लाइफ में रिस्क ले या ना ले। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।